विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपके जीने के मायने बदल सकती है। यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ के पूजते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब विश्वास आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता है, इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा बीमार था, क्योंकि उसे टीबी था। बीमारी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो अपने गांव के ही वैद्य के घर पे पहुंचा। अब जैसे ही वो वैद्य के घर गया, उसको पता लगा कि वैद्य जी घर पे नहीं है, वो खेत में काम कर रहे हैं, तो वो खेत पहुंच गया। अब खेत में जाके उसने वैद्य जी को सारी बात बताई कि उसे क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। वैद्य जी ने सारी बीमारी जानने के बाद उसे दवाई लिख के देने की कोशिश करी, लेकिन खेत में ना पेपर था ना पेन, तो उन्होंने पास में ही रखी एक लाल ईंट को उठाया और उसके पास में कोयला पड़ा था, तो कोयले को उठा के और लाल ईंट को उठा के उस कोयले से लाल ईंट पे कुछ लिखा, उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये ले लेना और इसे रोज पानी में घोल घोल के पीना। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो व्यक्ति अनपढ़ था, वो वैद्य जी की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन वो उस ईंट को लेके घर चला गया और 3 महीने बाद वापस लौट के वैद्य जी के पास आया और कहता है कि वैद्य जी, आपके द्वारा दी गई दवाई से मैं आधा तो ठीक हो चुका हूं, अगर आप मुझे वो दवाई दोबारा दे दें तो शायद मैं पूरा ठीक हो जाऊं। तो वैद्य जी ने कहा, मैंने तुम्हें दिया तो था। तो व्यक्ति क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति कहता है कि ईंटें तो हमारे घर पे भी पड़ी हैं, लेकिन उस ईंट पे जो आपने मंत्र फूंक के दिया था, अगर वो दे दें तो मेरा काम बन जाए। तो वैद्य जी हैरान रह गए, उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता लगा कि वो व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को पानी में घोल घोल के पी रहा है, लेकिन फिर भी वैद्य जी ने उसको कुछ नहीं कहा, सच्चाई बताई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे उस इलाज में विश्वास था और वो ठीक हो रहा था। वैद्य जी ने फिर से ईंट ली और फिर से उस ईंट पे कोयले से दवाई लिख के उसे दे दी और वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे बच्चों वाली कहानी है, नहीं, लेकिन यहां पर समझने और सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि दवाई लेने के साथ साथ आपको इस चीज पे भी विश्वास होना चाहिए कि इस दवाई को लेने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा, तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। और ये सेम चीज आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आपको अपने आप पे और अपने आइडिया पे पूरा विश्वास है तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। बस अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिएगा, उस पे विश्वास बनाए रखिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली अमेजिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।